हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं नॉक्स गेमिंग। चलिए शुरू करते हैं गाइस। कई लोगों की रिक्वेस्ट थी कि भाई एक वीडियो लाओ कि हमें यार हर मैच जीतना है, पबजी में हर मैच जीतना है। तो ये वो वीडियो आ गई है, इसको ध्यान से देखिएगा और हर एक टिप को आपको कंसीडर करना है। अगर आप हर एक टिप को कंसीडर करते हो तो आप डेफिनेटली हर मैच जीतोगे, ये मेरी गारंटी है। हर मैच जीतोगे, लेकिन आपको हर टिप को फॉलो करना होगा। लेट्स गो। टिप नंबर 1 मेरी तरफ से आपके लिए ये आती है, गो टू सर्टेन कंपाउंड्स वेयर यू कैन गेट अ डिसेंट लूट। भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है यार। सब भी को अपना कोई ना कोई कंपाउंड ऑक्यूपाई करने में अच्छा लगता है। मैप पे कई जगह है। अगर बात कर लें एरेंगल की तो लोगों को पोचिंकी जाना अच्छा लगता है। बात कर लें शनॉक की तो लोगों को बूट कैंप जाना पसंद है। तो अपने हिसाब से आपको खुद एक जजमेंट बनाना होगा कि हम किस कंपाउंड में डिसेंट लूट ले सकते हैं। अब देखो, दो तरह के प्लेयर्स होते हैं मेरी कंसिडरेशन में कि एक बंदा सेफ खेलते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा रश गेम प्ले खेलते हैं। उन्हें केवल रश गेम प्ले खेलना पसंद है। तो अपने हिसाब से आप कंपाउंड चुने जहाँ पे आपको डिसेंट लूट मिले। मालूम है कि पोचिंकी में एक अच्छी लूट मिलती है, जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो पहले ऐसे कंपाउंड उठे जहाँ पे आपको एक डिसेंट लूट मिल जाए, उसके बाद आप कहीं पे भी रश करें। ये मेरा सजेशन है। टिप नंबर 2 ये है, चूज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ गन्स। भाई ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप है कि भले ही कई लोग ये पहले से कर रहे हो, कई लोग को मालूम है, ये कोई एक बड़ी चीज़ नहीं बताई मैंने। बोलोगे भाई क्या बता रहा है, सिंपल सी चीज़ है, मालूम है, आप उसे फॉलो करते हो, लेकिन एक राइट अमाउंट की एमओ के साथ, एक राइट कॉम्बिनेशन की और एक राइट कॉम्बिनेशन ऑफ एमओ की गन भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि आप रख सकते हो एकेएम के साथ कार 98। पर्सनली मेरे को कार 98 नहीं पसंद आती, तो कार 98 की जगह अगर आपको M24 मिल गई तो एकेएम के साथ अगर आप M24 रखते हो, फिर आप चाहो तो कई कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर आपको केवल 5 की एमओ रखनी है तो आप M4 के साथ मिनी 14 रख सकते हो, M7 के साथ TP चला सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब आपको अपना करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना होता है। कई लोग को M4 के साथ M24 अच्छी लगती है, दैट्स देयर चॉइस। तो उन्हें आपको अपना एक कॉम्बिनेशन बनाना होगा, अपना एक राइट कॉम्बिनेशन के साथ उसकी करेक्ट एमओ के साथ आपको हमेशा रखना होगा। चलिए टिप नंबर 3 पे आते हैं। तो टिप नंबर 3 हमारे ये आई है कि मैंने ऊपर इसकी जिक्र कर दिया, लेकिन टिप नंबर 3 यही है कि चूज द राइट अमाउंट ऑफ एमओ। अब भाई आप कहोगे क्या ये तो पहले बता दिया, नहीं। अब अगर आपने एक करेक्ट कॉम्बिनेशन अपना रख लिया है तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ पर्सनली कि राइट अमाउंट ऑफ एमओ इन द सेंस कि अगर भाई आपके साथी के साथ आप स्पॉट खेलो, आप डुओ खेलो, आपके टीममेट के पास गन नहीं है, सॉरी एमओ नहीं है, तो आप उन्हें भी एमओ शेयर करो। क्योंकि अगर आपके पास 100 एमओ है और आपकी क्षमता 2 बंदों को मारने की है, ठीक, आपने 50 एमओ रिक्वायर्ड है, आपने दूसरे बंदे को मार दिया, ठीक, लेकिन अगर आप एक चीज़ कंसिडर करो कि आपने 50 एमओ से दूसरे बंदे को मार दिया, बाकी 50 एमओ तो आपकी वेस्ट गई ना भाई, कहाँ लेके जाओगे। तो उससे अच्छा है कि आप अपनी 50 एमओ अपने साथी को दे दो, जिससे भले ही वो एक बंदा ही मारे, भले ही वो डैमेज दे दे, लेकिन एटलीस्ट आप 2 बंदों को मार रहे हो। तीसरा बंदा बहुत लो मिलेगा आपको, या नॉक मिलेगा, या अगर आप अच्छा, आपके साथ अच्छा बंदा है तो वो भी 2 बंदों को मारने की क्षमता रख पाएगा। क्योंकि उसके पास भी एक डिसेंट एमओ होगी। तो ये मेरा कहना था कि डिसेंट एमओ वाला कि अपने पास उतनी एमओ रखो जितनी रिक्वायर्ड है, और दूसरा अपनी एमओ हमेशा टीम से शेयर करते रहो। टिप नंबर 4 आपके लिए आती है टीम वर्क बेस, नॉट वन इंडिविजुअल कैन बिल्ड अ कैसल। ये ऊपर वाले ही पॉइंट को मैंने जस्टिफाई किया है कि भाई हमेशा आपको टीम वर्क ही काम आएगा। कभी भी आप अकेले, जानता हूँ कई लोग करते हैं, उसके लिए अच्छे स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन कभी भी आप अकेले अगर आप चाहते हो हर मैच को चिकन बनाना, तो हमेशा अगर स्क्वाड के साथ खेल रहे हो तो उसमें आपका टीम वर्क बहुत काम आता है। जैसे मैंने एमओ की शेयरिंग की बात करी, वैसे ही गन की शेयरिंग कर सकते हो, वैसे ही कंज्यूमेबल्स की शेयरिंग कर सकते हो। हर चीज़ की शेयरिंग बहुत काम आती है और आपको उसमें बहुत फ़ायदा होगा ईजी चिकन डिनर करने में। आपको कि भाई ये कितना ईजी चिकन हो गया, ये बहुत काम आता है। टिप नंबर 5 मेरी आती है पर्सनली कि भाई यूज़ स्मोक, सिंपली यूज़ स्मोक। अगर आप स्मोक का यूज़ करते हो, आप ऐसे सिचुएशन हो जहाँ पे आपको पास मतलब कह सकते हो कि आपका एक बंदा नॉक है या आप खुद नॉक हो गए हो, तो अपने साथी को भी कहो कि भाई यार स्मोक करके आओ, या आप का अब बंदा नॉक है तो आप भी स्मोक करके जाओ। और साथ ही साथ हमेशा ज़्यादातर हो सके तो स्मोक की वॉल्स बनाओ। अगर आप रोटेट कर रहे हो या आगे जाना है, कहीं जाना है, तो ट्राई टू मेक स्मोक वॉल्स। बहुत फ़ायदा देती हैं ये स्मोक वॉल्स, क्योंकि बंदों को नहीं दिखाई देता कि बंदे कहां से कहां रोटेट हो गए, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। टिप नंबर 6 हमारी तरफ से ये आ रही है कि इफ़ जोन इज़ एन अपार्टमेंट और एनी बिल्डिंग्स, मूव विद द एंडिंग ऑफ जोन / एज ऑफ द जोन। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। भाई अगर अपार्टमेंट पे जोन है, आखिरी जोन, या अपना के अपार्टमेंट पे जोन है, या स्कूल के अपार्टमेंट पे जोन है, या पोचिंकी का जोन है, बिल्डिंग को कवर करता हुआ, ओपन नहीं, बिल्डिंग को कवर करता हुआ, कोई कहीं का भी जोन है जहाँ बिल्डिंग्स खूब सारी हैं, तो हमेशा ये दिमाग में डाल लो आदत कि हमेशा जोन के एज के साथ आगे बढ़ो। वो हर समय आपको देख रहे हैं। अगर आप जोन के पहले मूव इन करोगे तो आप उनको भी स्पॉट कर नहीं पाओगे और वो ईज़ली आपको बिल्डिंग से खड़े खड़े मारेंगे, क्योंकि अगला बंदा जोन के एज से मूव करेगा और आपने पहले मूव किया तो वो आपको स्पॉट कर लेगा, और वो या अगर सेफ खेल रहा है तो हाइड हो जाएगा, या तो अपना पाथ चेंज कर लेगा, या फिर मतलब कह सकते हो कि वो ईज़ली आपको स्पॉट कर लेगा और ईज़ली आप मरोगे। टिप नंबर 7 ये है, हैव अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्कोप। भाई मैंने ऊपर करेक्ट एमओ का जिक्र किया, करेक्ट गन्स का जिक्र किया, लेकिन करेक्ट स्कोप का कॉम्बिनेशन भी बहुत काम आता है। ये बात पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस की है। करेक्ट गन्स का कॉम्बिनेशन के साथ साथ करेक्ट स्कोप का कॉम्बिनेशन जब तक ना हो तब तक आप इजीली नहीं जीत सकते। तो अपने हिसाब से आपकी गन्स के हिसाब से रिक्वायर्ड स्कोप आपके पास होना चाहिए। अगर आप स्नाइपर चला रहे हो, उस पर 2x लगा है, तो आप कैसे भाई कैसे मार लोगे, दूर वाले बंदे को कैसे स्नाइप कर लोगे, कैसे उसे हेडशॉट मारोगे। तो उसके लिए एटलीस्ट 4x, 6x या 8x होना चाहिए। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि करेक्ट स्कोप भी कई बार काम आता है। फिर टिप नंबर 8 है मेरी कि इफ पॉसिबल यूज जायरोस्कोप। भाई ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरी तरफ से एक ये प्रो टिप भी कह सकते हो आप, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जायरल स्कोप मैंने खुद यूज़ करना शुरू किया जब से, तो मेरी गेम काफ़ी इम्प्रूव हुई। तब से मैं जायरल स्कोप हमेशा यूज़ करता हूँ। हाँ, भले ही स्नाइपर में थोड़ी सी दिक्कत आती कभी कभी, लेकिन अगर आप एक बार ढल जाओगे, 5, 10, 15 मैच खेल लोगे, DDM से प्रैक्टिस कर लोगे, तो फिर आपको जायरो स्कोप यूज़ करने में दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। उसके बाद टिप नंबर 9 हमारी तरफ से ये है कि प्लेयर्स टेंड टू शूट एट कार्स, यूज़ इट एज एन एडवांटेज। भाई अगर मैंने अभी छोटे जोन की बात करी, वैसे ही ये ओपन में जोन होता है, तो मैं ये टैप आपको दे रहा हूँ कि भाई एक टेंडेंसी होती है बंदों की कि अगर जोन ओपन में है तो वो सेफ खेलते हैं, वो लोग प्रोन ही जाते हैं, और उनकी टेंडेंसी ये होती है अगर कोई भी कार या टासिया लेके आप आओ तो तुरंत उठ के या प्रोन ही नहीं मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर बंदा जब प्रोन होता है तो वो सर्कुलर मूवमेंट ज़्यादा जल्दी नहीं कर सकता, ठीक है। वैसे ही अगर वो क्राउच है तो भी अपना सर्कुलर मूवमेंट रोटेशन जल्दी जल्दी नहीं कर सकता, तो इसलिए आपको एक एडवांटेज रहती है कि अगर आप कार लेके जाते हो तो आप एनिमी को स्पॉट कर सकते हो, क्योंकि वो आपको मारने की कोशिश करेगा लेकिन वो मार नहीं पाएगा, क्योंकि व्हीकल्स आर द बेस्ट सेफ कार्स। सो यूज़ व्हीकल्स एट ओपन जोन, ये मेरी टिप थी। टिप नंबर 10 है कि मेक श्योर योर हेड इज सेफ। भाई आप सबको पता है कि मैक्स टू मैक्स डैमेज हेडशॉट से मिलता है, तो अपना हेड को सबसे ज़्यादा सेफ रखना है। कभी भी विंडो पे है तो हमेशा क्राउच करके रहना है, और ओपन में भी है तो ट्राई टू हैव अ कवर। कई बंदे क्या करते हैं, ओपन में शव में घुस जाते हैं, कहते हैं भाई नहीं दिखेंगे, शव में घुस जाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा होता है दिख जाते हैं। अब कई लोग कलरफुल ग्राफिक्स या कुछ भी हाई ग्राफिक्स में खेल रहे हो तो आपको ईजिली स्पॉट कर लेगा, वहीं से पक्की से हेडशॉट लगाएगा। तो डू इट, वो अपना हेड को सेव करो, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके बाद टिप नंबर 11 ये आती है कि हैव अ स्ट्रैटेजिक प्लान और टैक्टिक्स। एक स्ट्रैटेजी से खेलो, पहले आपके पास नहीं है स्ट्रैटेजी, आप स्ट्रैटेजीज देखो, एक स्ट्रैटेजी के वीडियोस देखो, यूट्यूब चैनल पर है, मैं भी एक प्लेलिस्ट लेके आने वाला हूँ, आप उन वीडियो को देखो और स्ट्रैटेजी प्लान फॉलो करो कि नहीं भाई मेरे को ये स्ट्रैटेजी से खेलना है, मैं सेफ खेलता हूँ, मेरे बंदे सेफ खेलते हैं तो मेरे को उसी स्ट्रैटेजी से खेलना है। अगर वो रश कर रहे हैं तो मुझे उन्हें कवर देना है, अगर मैं सेफ खुद सेफ खेलना चाहता हूँ तो मुझे उन्हें कवर देना है, तो वो प्लान काफ़ी काम आता है। टिप नंबर 12 ये आती है डोंट बी ग्रीडी एंड ऑलवेज डू अ टीम वर्क। भाई ये पहले ही से है, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया, तो इसका काम हमेशा करो कि डू द टीम वर्क। टिप नंबर 13 ऑलवेज कम्युनिकेट। भाई कई लोग के अंदर ये होता है कि भाई कम्युनिकेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी टीम उनकी चली जाती है। इसलिए भाई आप मानो ना मानो, लेकिन आपका 90% गेम कम्युनिकेशन पे बेस्ड है। अगर आप टीम वर्क करके आपस में टीम कम्युनिकेशन करते रहोगे तो 101% चांस है कि आप जीतोगे ही जीतोगे। ये लिखवा के रख लो मेरी बात, लेकिन ये 100% चांस है कि आप वो मैच जीतोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हम हैरानी प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।